नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रतीक्षा यादव और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी ने नगर रानीपुर के सभी व्यापारियों से मांगा जन सहयोग की अपील। भाजपा की नीतियों से किया सभी को अवगत, आज व्यापारी गण कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस। भाजपा के इस शासन में इससे पहले कई अन्य सरकारों में व्यापारियों में रहता था भय। व्यापारियों ने प्रत्याशी को दिया आश्वासन, हम आपके साथ हैं। जिला झांसी के भाजपा के पदाधिकारियों ने भी सभी की हुई भेंट, जिसमें अजय लोहारी, हाजी हसन, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र राहुल, डॉक्टर विष्णु राय, पूर्व चेयरमैन शालिग्राम ओम प्रकाश गुप्ता, भैया जी नरेंद्र बैद, पिंकी दाऊ, जितेंद्र यादव, संतोष सेन, निक्की सूत्रीय, गोलू श्रोतीय, लकी श्रोती, नीरज खटीक, सूर्या शंकर, शंकर दादा सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रानीपुर से नीरज खटीक के साथ नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हम बात करते हैं भाजपा के प्रत्याशी से, पहले विष्णु भाई साहब से बात करेंगे हम। राजा, क्या कहना है आपके प्रत्याशी जीतने वास्ते, क्या काम होंगे यहाँ पर? रानीपुर के नगर के चहुमुखी विकास के लिए एक योजना बनेगी। पहले से प्रदीप गुप्ता जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं रानीपुर नगर के विकास के लिए, यहाँ कानून व्यवस्था के लिए, यहाँ अमन चैन के लिए, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। और पूरी मेहनत से एक साल के अंदर ही ये दिखा दिया जाएगा, एक ट्रेलर दिया जाएगा कि विकास का क्या एक योजना होती है और विकास का क्या एक रूप दिखता है। हम करते हैं भाई साहब अजय भाई जी से बात, आपका क्या कहना है इसमें? प्रदीप गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गुंडा और माफिया राज समाप्त हो। गुंडा की जगह जेल में है या ऊपर है, योगी जी और मोदी जी का सीधा संदेश है। इस रानीपुर को अपराध से मुक्त करने के लिए लगातार संघर्षरत रहने वाले प्रदीप गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। व्यापारियों के हित में, गांव के गरीब लोगों के हित में ये पार्टी। राहुल जी से जो मऊरानी पर से आए हुए जिला उपाध्यक्ष जी हैं, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं मीडिया के उन सम्मानित साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि कोरोना काल में इतनी मेहनत करके हम जैसे प्रत्याशियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, यदि प्रदीप गुप्ता जी को रानीपुर की जनता ने चेयरमैन बनाया तो रानीपुर अब नगर पंचायत नहीं होगी, नगर पालिका का दर्जा दिला के रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बाड़े को विराम देता हूँ, धन्यवाद। श्री शालिग्राम जी भाई साहब से, चेयरमैन साहब आप क्या कहेंगे? आप हम ये कहना चाहते हैं, हमारे समय विकास हुआ है, इस विकास की गति को 3 साल से रख गई है, विकास की गति रानीपुर की, इसी को देखते हुए हमने किसी कृष्णा के साथ जाने का निर्णय लिया है। 3 साल में विकास करके हमारे रानीपुर 30 साल पीछे चला गया, 3 साल के सीजन है। इस पर हम लोगों का ये क्या रहेगा कि 1 साल में कांस 3 साल का नुकसान हो गया, 1 साल में हम 3 साल की हरकारी करेंगे नगर के विकास की। भाई साहब जो झांसी से आए हुए भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रदीप भाई के दोस्त होने के नाते और अच्छी छवि होने के नाते मैं मुस्लिम समाज से सबको अनुरोध करता हूँ कि प्रदीप भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता कर भाजपा की अच्छी सरकार को बढ़ावे का काम करें। नीति कुमार गुप्ता से बात करते हैं, जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे आप? नगर का एक नए दौर का विकास का दौर प्रारंभ होगा, औद्योगिक रानीपुर, शिक्षित रानीपुर, विकसित रानीपुर के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हर एक जनता के बीच में जा रही है और जनता का नंदा आशीर्वाद मिलता है। एक नए रानीपुर का उदय होगा, युवा भाइयों के साथ ही होगा, शिक्षित विकसित औद्योगिक रानीपुर के विकास के लिए हम समर्पित हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।